फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स की आपकी जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल और टेक्निकल पोस्ट की वैकेंसी निकली है, उसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन है छोटा सा, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपको जानकारी मिलेगी हमारी वीडियो से। तो प्लीज़ गाइस, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिल सके। तो बात करते हैं, हमारी जो वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स की है। इन्वाइट करते हैं वुमेन और मेन फॉर्म इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजन एक्ट, आप दे सकते हैं, ठीक है, जो कि एयरफोर्स कमीशन ऑफिसर इन फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए आपको रजिस्टर कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक, ठीक है, इसकी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इन पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है यहाँ पे दे सकते हैं, जनवरी 2020 से ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो उसको आपको ध्यान में रखना, ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशन, फ्लाइंग ब्रांच, परमिट कमीशन, तो उसको पीसी बोलेंगे, शॉर्ट सर्विस कमीशन एसएससी, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच, तो यही कोर्स आपके नीचे देखने को मिल जाएंगे जो वैकेंसी है, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एफएफसी एट के आपके एफ कैट के फ्लाइंग के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कोर्स का नाम एसएससी की 69, तो ये बता रखा है। जनरल ड्यूटी टेक्निकल के आप दे सकते हैं, यहाँ पे कोर्स का नाम दे रखा है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इस तरीके से दे रखा है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के दे सकते हैं, आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग के आप दे सकते हैं, 10% सीट आउट ऑफ सीडीएससी वैकेंसी फॉर पीसी एंड 10% ऑफ सीट आपकी एफ कैट में फॉर वैकेंसी एसएससी के लिए, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कमीशन की, पीसी फॉर मैन, यहाँ पे देखते हैं कैंडिडेट ज्वाइनिंग एज पर पीसी ऑफिसर वुड बी कंटिन्यू टू सर्व, ठीक है। यहाँ पे एसएससी फॉर मैन मैन वुमेन के दे सकते हैं, एंगेजमेंट पीरियड फ्लाइंग ब्रांच एसएससी ऑफिसर 14 ईयर फ्रॉम डेट टू कमीशनिंग, ठीक है। द इनिशियल टेन्योर एसएससी ऑफिसर ग्राउंड ड्यूटी, यहाँ पे टैक एंड नॉन टैक आपका ब्रांच रहेगा, वुड बी पीरियड ऑफ 10 ईयर एंड एक्सटेंशन 4 ईयर मे बी ग्रांटेड सब्जेक्ट सर्व रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आपकी एज देखते हैं फ्लाइंग ब्रांच की 20 से 24, 1 जनवरी 2022 से काउंट होगी। बिटवीन आपकी दे सकते हैं होनी चाहिए 1998 2 जनवरी 1 जनवरी 2002 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे आपकी डिटेल आ रही है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे टेक्निकल नॉन टेक्निकल ब्रांच 20 से 26 दे रखी है, एस ऑन 1 जनवरी 2022, बॉर्न 2 जनवरी 1996 से 1 जनवरी 2002, ठीक है। नोटिफिकेशन दे सकते हैं, वेबसाइट आपको दे रखी है, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। आप इसकी जानकारी वेबसाइट में मिलेगी, इसकी मैं पूरी जानकारी के लिए आपको पूरा अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल संक्षेप में जानकारी दे रहा हूँ। ट्रेनिंग की बात करें, आपकी कॉमेंस इन द फर्स्ट वीक जनवरी 2022 से ऑल कोर्स एयरफोर्स एकेडमी आपका दे सकते हैं हैदराबाद में होगा। ड्यूरेशन ट्रेनिंग फॉर फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच 74 वीक की होगी। द डेट गुड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच 52 वीक का होगा एट एयर फोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। पैन कार्ड अकाउंट इन SBI नेशनल बैंक में आपका दे सकते हैं मैंडेटरी। आप देख सकते हैं IAS आप IAF ऑफिसर फॉर यू, यहाँ पे फ्लाइंग ऑफिसर की दे सकते हैं एज पर डिफेंस मैट्रिक्स लेवल 10 यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे रखी है, अलाउंस आपका प्रिविलेज इंश्योरेंस आप दे सकते हैं, स्पोर्ट एडवेंचर के बारे में दे रखा है, और टैटू आपका नार्कोटिक्स आपका मेरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी दे रखी है। तो यहाँ पे दे कैंडिडेट बिलो 25 एज मस्ट बी अनमेरिड एंड टाइम टू कमेंस द कोर्स, विडो एंड विडोअर डिवोर्सी 25 एज आल्सो नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की जानकारी आ रही है, ठीक है। ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल फोन एक्टिवेट होने थ्रू सिलेक्शन प्रोसीजर। ट्रेवल आपको दे सकते हैं, फिजिकल आपका कंडीशन आपके लिए मस्ट है वो तो यहाँ पे देख लीजिए। क्वायरी के लिए यहाँ पे आपको नंबर दे रखा है, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर देखा है, इस पर आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े, ऐसे ही आपको डेली गवर्नमेंट जॉब से रिलेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ, आपको अपडेट करता रहता हूँ। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।